वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट इनफिनिट टेंस में कीप ऑन, गो ऑन, इनफाइनाइट, हाउ टू, बिगिन, स्टार्ट किस प्रकार यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कीप ऑन, गो ऑन। तो इस प्रकार कीप ऑन, गो ऑन का पास्ट इनफिनिट टेंस में आप यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वह कार्य जारी है या नहीं है। अगर कार्य जारी रहेगा तो उसमें इस प्रकार के हिंदी सेंटेंस में पहचान आप देख सकते हैं। क्रिया में ता, ती, ते लगा रहेगा, उसके बाद रहा, रही या रहे उसमें दिया रहेगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद कीप का सेकेंड फॉर्म किप्ट होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, उसके बाद आन लिखना है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप राइट कर लेंगे, नहीं रहेगा तो फुल स्टॉप यूज कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं। वह लिखता रहा, वाक्य के अंत में जो है रहा है, इससे पहले ता लगा है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है, वह का इंग्लिश ही होता है और इसमें जो वर्ब आया है लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, राइट का आईएनजी फॉर्म जो होगा राइटिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही। इसके बाद केप्ट वेंट में से कोई भी आप राइट कर सकते हैं, केप्ट या वेंट। इसके बाद राइट करना है ऑन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म जो वर्ब रहेगा तो राइट है तो राइट का राइटिंग हो जाएगा राइटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट ने फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप हंसते रहे, आप हंसते रहे, तो देख सकते हैं इसमें भी ते आया है और यहाँ पे रहे, इसमें सब्जेक्ट यू है, यू, इसके बाद केप्ट या वेंट, इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आन, इसके बाद आएगा लाफिंग। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी सेंटेंस को जिसमें अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कार्य जारी रहता है तो हम कीप ऑन, गो ऑन से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह एक पुस्तक पढ़ती रही, पढ़ती रही, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वह है, वह का इंग्लिश यहाँ पे सी लिखेंगे, सी, इसके बाद केप्ट या वेंट ऑन, इसके बाद पढ़ना तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एक पुस्तक और बुक फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस देखते हैं। सोहन एक पतंग उड़ाता रहा, सोहन केप्ट या वेंट, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद ऑन, उड़ाना का फ्लाइंग, और क्या ऑब्जेक्ट है एक पतंग और काइट फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे खेलते रहे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वे, वे का इंग्लिश दे हो जाएगा, इसके बाद केप्ट ऑन या वेंट ऑन आपको राइट करना है। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, तो इसका आईएनजी प्लेइंग, ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको दूसरे सेंटेंस में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। दे कॉन्टिन्यूड टू प्ले, ध्यान देंगे जब कंटिन्यू का यूज करेंगे तो उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाया जाता है, इनफाइनाइट वर्ब टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टू लगा के उसके बाद भी वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। तो ध्यान रखेंगे कीप ऑन और गो ऑन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म और कंटिन्यू के साथ टू का यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं पास्ट इन्फिनिट टेंस में बिगिन और स्टार्ट का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो इस प्रकार बिगिन और स्टार्ट का यूज से पहले आपको पहचान देखना पड़ेगा। क्रिया, उसमें लगा, लगी, लगे,
अर्थात कोई भी कार्य शुरू हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम बिगिन स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का रूल होगा सब्जेक्ट बिगेन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन होगा, उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वी आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे बिगेन के साथ अर्थात बिगिन के साथ टू का यूज करते हैं, स्टार्ट के साथ आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, वह हंसने लगा, वह हंसने लगा, ही बिगेन हो जाएगा, इसके बाद टू हंसना लव, ही बिगेन टू लव। स्टार्ट से बनाएंगे तो ही स्टार्टेड, उसके बाद टू नहीं लगाना है, आई एन जी यूज करना है, लाफिंग फुल स्टॉप। सोहन रोने लगा, सोहन बिगेन टू वीप, स्टार्ट से बनाएंगे सोहन स्टार्टेड वीपिंग। तो आप ध्यान रखेंगे बिगिन का जब आप यूज करेंगे तो टू लगाना है, स्टार्ट का यूज करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे हिंदी में अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिले जैसे क्रिया उसमें लगा लगे, जैसे वह जाने लगा, आप सोने लगे, वह मुस्कुराने लगा, इस तरह का जो भी सेंटेंस रहेगा उसको आप बिगिन और स्टार्ट के यूज से ट्रांसलेट करेंगे। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में इनफाइनाइट वर्ब का किस प्रकार यूज करते हैं। इनफाइनाइट में हम टू इनफाइनाइट का यूज पढ़ेंगे, इनफाइनाइट वर्ब्स का यूज पढ़ेंगे। यहाँ पर टू इनफाइनाइट वर्ब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है उसको हम लोग टू इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, सोहन उससे बात करने यहाँ आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उससे बात करने, ये आपका इनफाइनाइट पार्ट है, ठीक है। सोहन यहाँ आया, इसका हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। सोहन यहाँ आया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है और यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो सबसे पहले सोहन लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो आया यानी आपका जो वर्ब है वो क्या है, आना। तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम। तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका हियर, और इसके बाद देखिए उससे बात करने, ये आपका इनफाइनाइट पार्ट है। तो सबसे पहले इधर से ट्रांसलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात करने टू टॉक, उसके बाद उससे टू हिम। सोहन केम हियर टू टॉक टू हिम, ये ट्रांसलेट हो गया। आप उसकी सहायता करने वहां पहुंचे, तो यहां पर उसकी सहायता करने यह इनफाइनाइट पार्ट है। तो आप वहां पहुंचे इसका ट्रांसलेट करेंगे यू रीच्ड देयर टू हेल्प हिम। आप उसकी सहायता करने वहां पहुंचे, यू रीच्ड देयर टू हेल्प हिम। पूजा करने गई, वह पूजा करने गई, सी गया वेंट टू वर्शिप। वह पूजा करने गई, सी वेंट टू वर्शिप। तो आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनफाइनाइट वर्ब टू प्लस वी वन का यूज इस प्रकार करते हैं, जैसे सोहन उससे बात करने यहाँ आया, तो सोहन केम हियर यानी सोहन यहाँ आया, और उसके बाद उससे बात करने टू टॉक टू हिम।
तो इस प्रकार हम इनफाइनाइट वर्ब का पास्ट इनफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट इनफिनिट टेंस में हाउ टू का यूज किस प्रकार करते हैं। हाउ टू का यूज उस समय करते हैं जब किसी तौर तरीका आपको सीखना होता है, यानी जैसे कोई कार्य करने का तरीका, किसी वस्तु को चलाने का तरीका। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट वर्ब आप यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हाउ का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, वह तैरना सीखता था। तो आप देख सकते हैं तैरना, तैरना सीखना इसमें बताया गया है, तो इसका वह तैरना सीखता था पास्ट इनफिनिट टेंस में है, और यहाँ पे आया है तैरना, यानी तैरना कैसे सीखा जाता है, वह सीखता था। तो इसलिए हम लोग हाउ टू का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही सीखना, लर्न, तो सेकेंड फॉर्म इसका यूज करेंगे लर्न्ड। इसके बाद हाउ टू स्विम, वह तैरना सीखता था, ही लर्न्ड हाउ टू स्विम। आप अंग्रेजी बोलना जानते थे, यू यानी आप अंग्रेजी बोलना जानते थे, अंग्रेजी कैसे बोला जाता आप जानते थे। तो यू जानना का नो सेकेंड फॉर्म नी हो जाएगा, यू न्यू। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसका भाई हिंदी पढ़ना सीखता था, हिज ब्रदर लर्न हाउ टू रीड हिंदी। वह कार चलाना जानती थी, सी न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कीप ऑन, गो ऑन, हाउ टू, इनफाइनाइट, बिगिन, स्टार्ट किस प्रकार यूज किया जाता है।